नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मुकदमे के संबंध में एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही ज्यादा पति के पक्ष में इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है, जिससे काफी नई चीजें निकल के आ रही हैं। और लाखों ऐसे पति जो घरेलू हिंसा के मुकदमे से परेशान हो चुके हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। तो क्या जजमेंट है, क्या मामला है, किस जजमेंट में आया है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में पतियों को गाइड करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि अपना मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे प्रक्रिया आपकी चलेगी, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे डीबी एक्ट 125 सीआरपीसी को खारिज कराएंगे, कैसे फॉल्स 498 केस में बचाव करेंगे, कैसे उसे क्वेश्चन कराएंगे, सारी चीजें समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो इसका मूल्य 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अगर आप अपडेट रहना चाहती हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहती हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकती हैं। उस ग्रुप में आपको ऐसे जजमेंट मिलेंगे जिसमें पतियों को फायदे मिले होते हैं, जैसे क्वेश्चन हुआ होता है, डिस्चार्ज हुए होते हैं, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हुआ होता है, तो इस प्रकार के जजमेंट मिलते हैं। तो यदि सेम फैक्ट आपके भी होते हैं तो आप उस जजमेंट का यूज अपने भी केस में करके वही फायदा लोअर कोर्ट से ही त्वरित ले पाएंगे। तो यदि आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण जजमेंट को समझते हैं। तो हमारा देखिए आज का जो जजमेंट है वो संगीता साहा वर्सेस अभिजीत साहा के केस में आया है। और ये जो जजमेंट है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि अगर पत्नी घरेलू हिंसा का केस करती है और अपने आरोपों को वो साबित नहीं कर पाती है, तो ऐसे में पत्नी को किसी प्रकार का कोई अनुदोष, जैसे भरण पोषण का, घर में रहने का, संरक्षण का, ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा। उसे किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी, उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। तो देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पति के विरुद्ध एक मुकदमा दायर करती है। जब ये मुकदमा मजिस्ट्रेट के वहां चलता है तो मजिस्ट्रेट साहब जो होती हैं, मुकदमा चलने के बाद खारिज कर देते हैं पत्नी के आवेदन को और कहते हैं कि जो पत्नी है उसने जो भी आरोप लगाए हैं वो साबित नहीं कर पा रही है, यहाँ पे क्रूरता साबित नहीं हो रही है, हिंसा साबित नहीं कर पा रही है पत्नी, तो हिंसा के अभाव में उसे कोई अनुदोष नहीं मिलेगा और उसका मुकदमा खारिज हो जाता है। फिर वो अपील में सेशन कोर्ट जाती है। सेशन कोर्ट में जो जज साहब होते हैं मजिस्ट्रेट के फैसले को पलट देते हैं और पत्नी के पक्ष में 2500 रुपए और एक बच्चा होता है उसके लिए 4000 रुपए आदेश करते हैं कि भरण पोषण दिया जाए। उसके बाद जो पति होता है हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट जो होता है वो सेशन कोर्ट के फैसले में आंशिक रूप से परिवर्तन करता है और पत्नी के पक्ष में जो भरण पोषण का 2500 रुपए का आदेश हुआ है उसे निरस्त कर देता है, सिर्फ बच्चे को भरण पोषण देने को कहता है। और कोर्ट यही कहता है, हाई कोर्ट भी जो होता है यही कहता है कि हिंसा के अभाव में पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद जो पत्नी होती है सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है कि हाई कोर्ट ने ये फैसला बदल दिया है। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट का फैसला आया होता है सुप्रीम कोर्ट उसी पर मुहर लगाता है और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि जब पत्नी मुकदमा की है उसमें जो भी उसने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को वो कोर्ट में साबित ही नहीं कर पा रही है, जो भी आरोप उसने लगाए हैं गलत साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में पत्नी ये साबित ही नहीं कर पा रही है कि उसके साथ कहीं भी किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है। तो ऐसे में हिंसा के अभाव में पत्नी को कोई अनुतोष नहीं मिलेगा और जो पत्नी है उसका जो अपील होता है सुप्रीम कोर्ट तक वो जाती है उसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है और भरण पोषण या कोई अनुतोष देने से मना कर देता है। तो इस जजमेंट से एक महत्वपूर्ण चीज ये निकल के आ रही है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा डीबी एक्ट का मुकदमा किया है, आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए हैं और कोर्ट में अपने आरोपों को वो साबित नहीं कर पा रही है या अपने साक्ष्यों से आप साबित कर देते हैं कि पत्नी झूठे आरोप लगाई है, तो उसे कोई अनुतोष नहीं मिलेगा।
अगर जब आपका जजमेंट जब आपका केस चल रहा हो, फाइनल आर्गुमेंट मजिस्ट्रेट के वहां हो रहा हो, तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा दीजिएगा। कोर्ट में बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्रूरता के अभाव में, हिंसा के अभाव में जब पत्नी जो आरोप लगा रही है उसे साबित नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे अनुतोष नहीं मिलना चाहिए। मेरी भी पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, उनको वो साबित नहीं कर पा रही है, उसे कोई अनुतोष ना दिया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, रूलिंग जजमेंट है, तो विधि व्यवस्था है, तो लोअर कोर्ट को आपकी बात माननी पड़ेगी और उसका डीवी एक्ट का मुकदमा खारिज करना पड़ेगा। तो ऐसे में जीत आपकी होगी और पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।